दोस्तों आईटीआई तो हम सभी लोग करते हैं। अगर आप आईटीआई कर चुके हैं या आईटीआई कर रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन है, क्या दोस्तों आप जानते हैं आईटीआई की रूल्स के बारे में कि आईटीआई के क्या रूल्स हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीआई के रूल्स। कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा आईटीआई के बारे में कि जो कि आईटीआई में शायद से किसी आईटीआई में यहाँ पर फॉलो नहीं होते। तो आगे आप सभी लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अब दोस्तों ये जो रूल हैं ये अलग अलग ट्रेड के हिसाब से हो सकते हैं, हो सकता है इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अलग हो, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के रूल्स अलग हो, बट दोस्तों मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इंजीनियरिंग ट्रेड्स के हिसाब से। अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेड्स से हैं आईटीआई में तो आपकी जो ट्रेड थ्योरी की बुक होगी उसमें पहला ही चैप्टर होगा ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो उसी में आपको दोस्तों आईटीआई के रूल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इनके बारे में दोस्तों कोई भी जिक्र नहीं करता, कोई भी आपको नहीं बताता, शायद से हो सकता हो आपके जो क्लास टीचर हैं वो भी आपको इसके बारे में ना बताते हों, बाकी यूट्यूब पर तो आपको इसके बारे में कोई भी नहीं बताएगा। इसके अलावा दोस्तों ये रूल्स क्या हैं, ये आईटीआई के ही रूल्स हैं जिसमें कि हमें टाइम शेड्यूल एक प्रकार से पता चलता है कि कितने कैसे क्या घंटे हमें आईटीआई में सीखना है और पढ़ना है। अब दोस्तों वो रूल क्या है तो सुनिए। सबसे पहले दोस्तों वीकली हमें 42 आवर्स काम करने को बोला गया है आईटीआई में, ठीक है। 42 आवर्स काम करने का क्यों बोला गया है? देखिए दोस्तों आईटीआई किस लिए हम करते हैं, ताकि हम सीख सकें इंडस्ट्रियल काम, ठीक है। इंडस्ट्रियल काम की ही जो हमें आईटीआई में ट्रेनिंग मिलती है, चाहे वो किसी भी ट्रेड की हो, फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। जैसा कि उसका नाम ही है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो उसमें दोस्तों इंडस्ट्री के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे वीकली आपको 42 आवर्स काम कराया जाता है, मतलब कि दिन का 7 आवर्स, मतलब कि एवरी डे आपको 7 आवर्स जो है आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा या फिर आपको प्रैक्टिकल वगैरह करना पड़ेगा। अब दोस्तों 42 आवर्स में से 30 आवर्स तो दोस्तों केवल आपके प्रैक्टिकल के लिए ही होते हैं वीकली, कि आपको कैसे भी करके 30 आवर्स जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बचे 12 आवर्स जो कि आपकी थ्योरी के लिए होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए होते हैं, WCS और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए होते हैं। तो बाकी 12 आवर्स इन सभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो इन्वेस्ट किए जाते हैं। बट दोस्तों ऐसा क्या होता है रियलिटी में, क्या आपके कॉलेज में कभी फॉर एग्जाम्पल अगर 30 आवर्स बीक लिया तो एक दिन में करीब 5 आवर्स आपको प्रैक्टिकल को मिलते हैं? तो क्या आपके आईटीआई में आपको रियलिटी में 5 आवर्स तक प्रैक्टिकल करने को मिलता है? मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, नहीं मिलता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। इसके अलावा भी दोस्तों ये तो बात हो गई स्टडी की, स्किल्स की। इसके अलावा दोस्तों बात करें लीव की, तो हमें जैसा कि बोला जाता है कि हर एक संस्थान में 80% प्रेजेंटी जो है आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। हाँ लेकिन आप बैठ सकते हैं केवल एक शर्त पर, कि जो आपके प्रिंसिपल हैं वो आपको अलाउ कर दें उस टाइम, तो आप एबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के, अगर आपकी 80% से कम प्रेजेंटी है। पर दोस्तों जो मेनली यहाँ पर लीव दिए जाते हैं, लीव में दोस्तों जो कैजुअल लीव होती हैं वो हमें 12 दिनों की मिलती हैं, मेडिकल लीव हमें 15 दिनों की मिलती हैं, इसके अलावा स्पेशल लीव हैं वो भी 15 दिनों की मिलती हैं, और एक और होती हैं अर्न लीव जो कि LWS कुछ होता है, वो भी हमें 15 दिनों की मिलती हैं। तो टोटल हमें जो है 57 डेज की जो है छुट्टी मिलती हैं सालाना। बट दोस्तों ऐसा रियलिटी में होता है क्या? हो सकता है उससे ज़्यादा छुट्टी आप में से बहुत से लोगों को मिली हो, अगर मिली है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, और नहीं मिली है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। इसके अलावा दोस्तों बाकी के रूल तो आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पर ईयरली आपसे जो है 100-280 जो है फीस यहाँ से चार्ज की जाती है, तो ये बेसिक तो आप सभी लोगों को पता ही होगा अगर आप एडमिशन ले चुके हैं आईटीआई में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मैंने जस्ट बेसिक से रूल बताए हैं आपको, हो सकता हो आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हों। यहाँ पर दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों आगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूँ आप चैनल से जुड़ जाइए, आगे हम ट्रेड थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है। ट्रेड थ्योरी को पढ़ेंगे तो ये ट्रेड थ्योरी का ही एक पार्ट है, ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड थ्योरी का नहीं है, ये सभी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उनका हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप में से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे डिटेल से। इसीलिए दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ताकि कोई बाद में मुझसे ना बोले कि भैया आपने इस पर वीडियो नहीं बनाई, इसलिए मैंने पहले से ही इस पर वीडियो बना रहा है, ठीक है। अब इसको 2 लोग भी देखें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हैं, अगर आपको कुछ समझ में आता है वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। कमेंट्स में फीडबैक भी दे दिया करें कि आपको कैसा लगा,
बीडो। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो भी वीडियो बनती है, जैसे आज ये वीडियो बनी, अब इससे रिलेटिव जो है कुछ घंटों बाद जो है मैं क्विज करता हूँ टेलीग्राम में, तो वो आपको टेलीग्राम में देखने को मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।